हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने BSc सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आप लोगों को लास्ट यूनिट फोर्थ का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, डेंटिशन इन मैमल्स। आज हम आपको BSc सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपका नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेपर थर्ड, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम पेपर थर्ड का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पेपर थर्ड को भी यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। इसमें भी आपको चार यूनिट के अंतर्गत टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं पेपर थर्ड का सिलेबस। पेपर थर्ड का जो नाम है आपका फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपको जो स्टडी करना है जर्नल फिजियोलॉजी इन आउटलाइन, मतलब जो भी आपकी फिजियोलॉजी होगी उसके आउटलाइन पर स्टडी करना है विद स्पेशल रेफरेंस, यानी स्पेशल रेफरेंस देते हुए मैमल्स की जर्नल स्टडी को, जर्नल फिजियोलॉजी को स्टडी करना है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं उनमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी ह्यूमंस में या मैमल्स में जो पाचन होता है, भोजन को, भोजन कैसे बॉडी में पचता है, कहाँ कहाँ पर, किस बॉडी के किस किस ऑर्गन्स में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स मिलते हैं जिसके द्वारा जो भी हम फूड लेते हैं या खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो हम उसके फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमें डिस्कस करना है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन, श्वसन की क्रिया को हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमें डिस्कस करना है ब्लड एंड सर्कुलेशन, ब्लड्स क्या होता है, ब्लड्स में कौन कौन सी सेल्स होते हैं उसको डिस्कस करना है, जैसे TLC, DLC, प्लेटलेट्स। TLC का मतलब टोटल लीकोसाइट्स, DLC का मतलब डिफरेंट लीकोसाइट्स, RBCs, प्लेटलेट्स, ह्यूमन क्रिस्टल्स, इन सब को डिस्कस करेंगे। तथा हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है तथा इसका जो सर्कुलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम लोग जो डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, उत्सर्जन, तो उत्सर्जन की फिजियोलॉजी क्या होती है, मैमल्स में जो उत्सर्जन होता है किस ऑर्गन्स के द्वारा होता है, किस अंग के द्वारा होता है, उसकी क्या फिजियोलॉजी होती है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैमल्स में जो एक्सक्रीशन की क्रिया होती है वो किडनी के द्वारा होती है, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जो भी जक्स्टा मेडुलरी तथा कॉर्टिकल्स जो कॉर्टेक्स की साइड में किडनी की तरफ मिलते हैं, उन नेफ्रॉन्स के द्वारा जो हमारा ब्लड है वो फिल्ट्रेट होता है, उसके द्वारा ना वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं एक्सक्रीट होते हैं।
बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन का ही पार्ट है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है, जैसे फिशेज की बात करें या मैमल्स की बात करें, आप जब लोग ज़्यादा साल्टी फूड ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा किसी फूड में साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा वाटर पीना पड़ता है। अगर नहीं पियेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपका गला सूख जाएगा। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है, साल्ट तथा वाटर को दोनों को बैलेंस करने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया होती है। उसके बाद है आप में से जो स्टडी करना है न्यूरल ट्रांसमिशन। उसके बाद इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है मसल्स, मसल्स को डिस्कस करना है। यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो आपको डिस्कस करना है या स्टडी करना है फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र जो है उसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस करना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें थर्मो रेगुलेशन, जिसको कि ताप नियमन भी बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी में टू टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें एक होती है एंडोक्राइन, दूसरी होती है एग्जोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि। तो उन दोनों के द्वारा हमारी बॉडी में किस किस हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, उनके हाइपर सिक्रीशन से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके लो सिक्रीशन से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट यूनिट है आपकी, जिसमें आपको पढ़ना है जनरल केमिस्ट्री ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कमा लिपिड्स, कमा एंड प्रोटीन तथा एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेट का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसके जनरल करेक्टर्स क्या क्या होते हैं उसको स्टडी करना है। लिपिड्स, इसका क्लासिफिकेशन, जनरल केमिस्ट्री, प्रोटीन, एंजाइम्स, इन सबके क्लासिफिकेशन तथा जनरल करेक्टर को डिस्कस करना है। तो आज हम पेपर थर्ड के अंतर्गत आप लोगों को फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। एलिमेंट्री कनाल में फूड पार्टिकल्स के जटिल यानी कॉम्प्लेक्स अणुओं को सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलने की या कन्वर्ट करने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं, यानी पाचन। आहार नाल में भोजन के जटिल अणुओं को सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की जो मैकेनिज्म है उसको हम दो पार्ट्स में
बांट सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल प्रोसेस, दूसरा है केमिकल प्रोसेस। अगर फिजिकल प्रोसेस की बात की जाए तो इस प्रोसेस के अंतर्गत जो हम इंक्लूड करेंगे, जैसे भोजन को ग्रहण करना। सबसे पहले फिजिकल प्रोसेस में हम भोजन खाते हैं, उसको चबाते हैं, चबाते हैं तब वो पिसता है, मथते हैं, कुचलना, निगलना आदि शामिल करते हैं, तथा एलिमेंट्री कैनाल की क्रमांकुंचन गतियां फूड को पीसने एवं नीचे की ओर यानी एलिमेंट्री कैनाल के नीचे वाले शरीर की तरफ फूड को भेजने का कार्य करती है। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रोसेस की। इस प्रोसेस में डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें यह ग्लैंड भोजन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को मिक्स कर देती हैं तथा भोजन को घुलनशील बना देती हैं, जिससे वह आसानी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो इसे निम्न पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो पहला पार्ट है डाइजेशन इन माउथ। जब भोजन मुंह के अंदर आता है तब वहाँ उसे दांतों से पीसकर बोल्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तथा इसी समय पर इस फूड में बोल्स में फूड की बोल्स में सलाइवा मिक्स कर दिया जाता है। तो आज के टॉपिक में या आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया आपका पेपर थर्ड का सिलेबस तथा जर्नल इंट्रो ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। कल हम इसके आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।